कहने को तो देश में कानून का राज चलता है, परंतु लोग फिल्मों से ज्यादा सीखते हैं और उसी के आधार पर अपने लाइफ में वो डिसीजन लेते हैं। कक्षा 10वीं में पढ़ने वाली एक 16 साल की लड़की एक लड़के को एक चिटकी सिंदूर के कारण अपना पति मान बैठी थी और दोनों एक साल तक संबंध बनाते रहे। असलियत तो तब पता चली जब लड़के ने लड़की को बेल्ट से पीटा और वीडियो वायरल करने की धमकी दी। नमस्कार, मैं राजा कुमार। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो सच्ची घटना इंदौर से है। इंदौर में एक जगह पड़ता है परदेसीपुरा, ये घटना उसी जगह से है। शिकायतकर्ता लड़की की उम्र 16 साल और लड़के का उम्र 17 साल 6 महीना है। लड़की ने पुलिस को बताया कि वो 10वीं क्लास में पढ़ती है और आरोपी लड़के का घर लड़की के पास में ही है। लड़के का नाम सनी था और लड़की का नाम नीलू था। सनी की नजर एक दिन नीलू पर पड़ती है और वो नीलू को पहली नजर में पसंद करने लगता है और वो हर दिन उस दिन के बाद से नीलू का पीछा करने लगता है। नीलू को सनी का ये व्यवहार पसंद आने लगता है। तभी 8 जनवरी 2022 रात को सनी फेसबुक पर नीलू को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने लगता है। लड़की भी सनी को पसंद करती थी इसलिए और नीलू फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके दोनों चैटिंग करने लगते हैं। करीब एक महीने यही सिलसिला चलता रहता है। एक महीने बाद सनी नीलू को मिलने के लिए बुलाने लगता है। 28 फरवरी 2022 को नीलू सनी से मिलने के लिए जाती है जहां दोनों खाना खाते हैं और बातें करते हैं। खाना खाने के बाद सनी मौका पाते ही नीलू को दबोच लेता है और उससे संबंध बनाने की कोशिश करने लगता है, पर लड़की साफ मना कर देती है। वो कहती है कि वो शादी से पहले किसी से संबंध बनाना नहीं चाहती। लड़की अपने सपनों में खोई थी पर लड़का सारा प्लान करके बैठा था। वो तुरंत नीलू को इमोशनली ब्लैकमेल करने लगता है और उसकी मांग में एक चुटकी सिंदूर भर देता है। लड़की मन ही मन सनी को अपना पति मान लेती है और वो लोग अक्सर मिलने लगते हैं। अब जब भी सनी नीलू से मिलता वो उसके साथ संबंध बनाता। ये सिलसिला इनका करीब एक साल तक ऐसे ही चलता रहता है। सनी जब भी लड़की को बुलाता लड़की घर का सारा काम छोड़ छाड़ के सनी के पास चली जाती थी। लड़के ने नीलू से बात करने के लिए उसे एक एंड्रॉयड फोन खरीद कर दिया था। जब भी नीलू सनी से वीडियो कॉलिंग पर बात करती है उसके नंगे बदन को रिकॉर्डिंग करके अपने फोन में सेव कर लेता था। तभी एक दिन नीलू मोबाइल से बात कर रही थी, उसी समय नीलू की माँ देख लेती है और उसे पीटती है और फिर बड़े ही प्यार से समझाती है। लड़की अपनी माँ की बात मान जाती है और वो सनी से बात करना बंद कर देती है। दरअसल लड़की की माँ चाहती थी अगर ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो पहले शादी कर ले फिर संबंध बनाते रहे, पर लड़के को ये बात अच्छी नहीं लगती है और वो संबंध बनाने के लिए शादी तक इंतजार नहीं करना चाहता है। इसलिए वो एक प्लान बनाता है और फिर लड़की को इमोशनली ब्लैकमेल करके उसे मिलने के लिए बुलाता है। लड़की जब मिलने के लिए पहुंच जाती है तो लड़की के साथ जबरदस्ती करने लगता है। लड़की संबंध बनाने से साफ मना कर देती है जिसके बाद सनी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो बेल्ट से लड़की को पीट पीट कर लहूलुहान कर देता है। फिर उसे रिकॉर्ड किए हुए वीडियो को दिखाकर डराने लगता है और बोलता है कि जब मैं बुलाऊं तो आना पड़ेगा नहीं तो मैं वीडियो वायरल कर दूंगा। ये लड़की सुनकर बहुत ज्यादा सहम जाती है। जिसे वो एक साल से अपना पति मानकर बैठी थी वो एक बहुत ही बड़ा धोखेबाज इंसान निकलता है। इस घटना के बाद लड़की बहुत ज्यादा सहम जाती है और ये बात अपने परिवार में किसी से नहीं बताती है। लड़की अक्सर अब घर में उदास उदास रहने लगती है। तभी उसके अगले दिन नीलू रात में रो रही थी, उसी दिन उसकी माँ की नजर अपनी रोती पिलकती बच्ची पर पड़ती है। वो अपनी बच्ची के पास उसे सहलाकर पूछना चाहती है कि आखिर तुम क्यों रो रही हो। लड़की अपने ऊपर बीती आप बीती कहानी सब बताने लगती है। लड़की की माँ भी ये कहानी ये दास्ता सुनकर फुट फुट कर रोने लगती है। नीलू के बताए अनुसार धारा 376 सनी पर लगाया जाता है और अभी वो पुलिस के रिमांड पर है और जल्द ही इस मामले में कोर्ट अपनी सजा सुनाएगी। लेकिन आपके हिसाब से इस दरिंदे इंसान को कैसी सजा मिलनी चाहिए कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।